सो है गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी सुबह के बज रहे 8:10 और थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ, तकरीबन 7:30 उठा था और अभी नहाने की प्लानिंग है। बाकी कल मैंने ये ऑर्डर मंगाया था अपनी MI बैंड के लिए, आप देख सकते हैं सिल्वर वाली ये स्ट्रैप है, काफ़ी अमेजिंग बन चुकी है, मेरी फेवरेट वॉच है और फेवरेट वॉच को और ज़्यादा फेवरेट बना दिया। तो कल मिला था मेरे को और देख के एक्साइटमेंट, दिल खुश होता है, इसको डाल दिए। तो फिलहाल अभी नहाएंगे थोड़ी ही देर में और यहाँ पे चल रही है डिस्कशन। आज है भैया दूज, तो दोनों के भैया आएंगे, मम्मी के भी भैया आएंगे हैं, रितिका के भी भैया आएंगे और इसके भैया यहाँ पे है। तो भैया दूज पे भैया दूज मनाएंगे। तो आने से पहले हम हो जाते हैं तैयार, फिर इनको भी कैरियां वगैरह करनी है, इसीलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो फाइनली दोस्तों, नहा धो के मैं हो चुका हूँ रेडी और फिलहाल अभी थोड़ी देर में खाना खाएंगे। और यहाँ की आप देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे, ये कल वाली है डेकोरेशन। तो थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, खाना खा के फिर मिलते हैं। सो फाइनल दोस्तों, अभी थोड़ी देर में हम टीकाकरण कर लेते हैं, यानी कि टीका वगैरह वो करेगी स्नेहा यहाँ पे। चलते हैं दुकान पे, लेट हो गया मैं, तो मिलते हैं दुकान पे। तो फाइनली मैं मार्केट जाके सब्जी ले आया हूँ। आज मामा जी और मेरे साला साहब आएंगे, इसलिए ले आया हूँ। A few moments later. So guys, अभी मैं आया हूँ यहाँ पे घर पे, 2:02 हो चुके हैं और मेरे साथ बैठे हैं यहाँ पे हैप्पी जी। और फिलहाल अभी खाना खुना खाया है, समोसे वगैरह खा लिए, थोड़ी देर में खाना खुना भी खा लेंगे। 5 minutes later. So guys, अभी खाना शुरू करेंगे, स्नेहा ने कर दी है डेकोरेशन पूरी बढ़िया वाली, तो अभी खाना स्टार्ट करते हैं। A few moments later. So fine दोस्तों, अभी टाइम हुआ है 4:49 और रितिका जी तैयार हो चुकी है अपने घर जाने के लिए, बिकॉज हैप्पी आया है उसको घर ले जाने के लिए। तो देखते हैं कितना टाइम लगाएगी, बाद में मैं अकेला रह जाऊंगा, रितिका जी चली जाएंगी। तो अभी तैयारी हो चुकी है फुल जाने की, मिलते हैं थोड़ी देर में। The next day. सो गाइज, कल रितिका जी तो चली गई थी और उसके बाद फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था काम के लिए, शॉप का काम था, कुछ बाहर का भी काम था मार्केट का, तो इसलिए कल टाइम नहीं मिला। और आज ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ 5:00 जस्ट अभी फ्री हुआ हूँ, थोड़ा सा लाइफ बिजी हो गई थी। बाकी यहाँ पे देखो दिवाली की पटाखे अभी तक यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो इसकी साफ़ सफाई वगैरह करनी है, ये देख सकते हो आप दूर तक, और सामने वही 30 shot वाला डब्बा पड़ा हुआ है, ये पड़े हुए हैं कुछ पम्प्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ों की साफ़ सफाई वगैरह करनी है, देखते हैं संडे को करेंगे। और बाकी फ़िलहाल अभी जाना है मार्केट के अंदर, सब्जी लेके आनी है, मम्मी तो ये कह रही है कि जो खाना है वो ले आओ। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं नीचे और लेके आते हैं सब्जी वगैरह। It's so hard to open my eyes, I'm blind to the light from the sky, I'm dealing with things I can't write, and all of you know it's been no easy road, but I keep working harder, going harder just to prove something, burning out, I can't do shit for weeks, guess I prove nothing, everybody wants my work for free, I know you have the money, things are looking different, I'm not putting up with you, not anymore. So finally, सब्जी वगैरह लेके आ चुका हूँ जिसके अंदर है शिमला मिर्च और नींबू। सो फिलहाल यहाँ पे स्नेहा कर रही है टेम्पिस को चेंज, न्यू वाला लगा रहे हैं, ओल्ड वाला उतार दिया, इसको हम ले जाएंगे दुकान पे लगाएंगे
और फिलहाल अभी हम चलते हैं अपनी ड्यूटी के ऊपर, मिलते हैं आपको थोड़ी ही देर में। 2 hours later सो गाइज, काम को खत्म करके मैं आ चुका हूँ घर पे, और अभी टाइम की बात बताऊँ तो 8:43 हो चुके हैं, तकरीबन 9 बजने वाले हैं। सो फिलहाल अभी हम खाएंगे केक। केक को ये केक थोड़ा सा रह गया था तो हमने सोचा कि खा लेते हैं, फिलहाल आज सब्जी के अंदर बनी हुई है, क्या बनी थी अम्मी? शिमला मिर्च बनी हुई है, कुकर खोलना पड़ेगा नहीं, आपको दिखा देते हैं, लेकिन खाने वक्त जरूर दिखाएंगे। और यहाँ पे हमारी तैयार हो रही है कॉफ़ी, और बाकी रोटी वगैरह अभी बनानी है ना, रोटी बनानी है, थोड़ी देर में रोटी वगैरह बन जाएगी। फिलहाल अभी हम यहाँ ये खा लेते हैं, क्या था ये केक। केक इसके साथ कुछ मिठाई भी खाएंगे, मिठाई भरा पड़ा है फ्रिज मिठाई के साथ, तो ये रही हमारी रात की मिठाई। सो फिलहाल यहाँ पे हम ले आए मिठाई, पेड़े, ये है गाजर की बर्फ़ी और ये दूसरे वाली बर्फ़ी, और इसको खाने के लिए हम मंगाएंगे स्नेहा से चम्मच, वो लेके आएगी थोड़ी देर में। तो फिलहाल अभी हम इन चीज़ों को खाना शुरू करते हैं। सो गाइज, अभी खाना खुना खा लिया है, खाना खुना खा के अभी तैयारी है सोने की, सोने से पहले कुछ और काम भी करने हैं, बाकी मूवी चल चुकी है आगे, वो भी देखनी है पहले। और अभी मैं पी रहा हूँ पानी, पानी को रखा है मैंने बर्फ़ के ऊपर, थोड़ा सा खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीने का मन हो रहा है पता नहीं क्यों, लेकिन मैं इसको हल्का सा ठंडा करूँगा, ज़्यादा ठंडा नहीं करूँगा। ठंडा करने के बाद पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद फिर सो जाएंगे। बाकी आज के ब्लॉग में बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं फिर मिलूंगा अनदर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।